हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज जो है गाइस, फीनिक्स जो है हमारे मैदान में खड़ी हुई है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन गाइस, फीनिक्स भाई तुम्हारे भाई के पास आई और इसने बोला कि भाई मुझे जो है ना, हर एयरबेस मोबाइल के हर उस एनिमल से लड़ना है, हर उस यूनिट से लड़ना है जो कि उड़ सकता है। तो भाई आज जो है, पता नहीं फीनिक्स को क्या हुआ भाई, इसको ना सारी फ्लाइंग यूनिट से जो है मुकाबला करना है वन बाय वन। और भाई पता नहीं क्या ही इसका मूड ख़राब है। तो भाई आज जो है ना मुकाबला होने वाला है हर एक उस एनिमल्स के साथ, हर एक यूनिट के साथ जो कि फ्लाइंग कर सकती है। और इसने बोला भाई इसको ना अपनी यूनिट के भी एनिमल से लड़ाई करनी है, क्योंकि इसकी यूनिट के सारे एनिमल्स उड़ सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं मैच को और देखते हैं गाइस, इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। मुझे भी, मैंने सोचा भाई मज़ा तो आएगा भाई। फीनिक्स बहुत ज़्यादा ताकतवर एनिमल है और इसके सामने भाई हमारे पास ना फ्लाइंग यूनिट्स में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी एनिमल्स हैं, जैसे कि ड्रैगन कह सकते हो आप गाइस, साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई मज़ा आएगा देखने में कि भाई कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन दबा दीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम रखने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी है, तो स्पैरो है ना भाई, इनको रखने वाले हम। ठीक है, देखते हैं गाइस ये कितनी देर तक टिकते, काफ़ी सारी रख दिए मैंने। यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैच। तो भाई फीनिक्स तो इनको जला के राख कर देगी बिल्कुल चुटकियों में। ये उड़ना तो स्टार्ट कर दिया भाई इन्होंने, लेकिन बच नहीं पाएंगे भाई। फीनिक्स की आग जो है ना भाई, लावा ऐसी आग है। और भाई इतनी ज़्यादा ताकतवर है ना फीनिक्स, एक छोटी छोटी तो भाई मधुमक्खी से मच्छर नहीं मारते, बिल्कुल ऐसा लगता है स्प्रे से मच्छर मारते हैं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी देखने में, मुझे तो भाई ऐसे ही लग रहा था, मतलब मच्छर होते ना भाई उनको मारते हैं स्प्रे से, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। नाउ तो अब आ रही है क्रो की। तो भाई इनको भी रखते हैं भाई साहब, जो इवन आर्मी के ना सारे के सारे एनिमल डरे हुए पड़े हैं कि भाई फीनिक्स क्या हुआ भाई एकदम से, मतलब अपनी यूनिट के बंदों को भी ये नहीं छोड़ रही है। तो भाई ये जो चीज़ है ना भाई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि भाई क्या हुआ फीनिक्स को, उसने जो एकदम से कैसे मूड बना कि भाई इसको सारे एनिमल्स के साथ जो है, ईयरबेस के सारे एनिमल जो भी फ्लाइंग कर सकते हैं उनके साथ जो है मैच करना है। यहाँ पर क्रो भी जो जा चुका है। और गाइस वैसे तो हमारे पास ना बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, जो कि एयरबेस मोबाइल में जो उड़ते हैं। तो भाई लेकिन फीनिक्स भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने 5 वॉल रखे हैं और फीनिक्स की पावर लगभग बहुत ज़्यादा नहीं गई है। और भाई चारों ने घेर भी लिया था, मतलब 5 ने, 3 बचे, 4 बचे गाइस अभी भी। भाई फीनिक्स तो भाई जलवाही कर देगी भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक गया, 3 बचे और ये मंडरा रहे हैं अपनी एक ही जगह पे। लेकिन फीनिक्स बक्सेगी थोड़ी ना भाई, इसकी यूनिट के तो यार ये थोड़ी ना कि भाई इसको कम आग लोगे, मार के तो रहेगी भाई। तीनों को 5 को भाई ढेर कर दिया फीनिक्स ने। फीनिक्स की पावर देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब गई नहीं है भाई। फीनिक्स के सामने टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइस मज़ेदार बात ये है कि भाई एयरबेस मोबाइल में ड्रैगन जैसी यूनिट भी जो कि उड़ सकती है, तो भाई उनको देखने में मज़ा आएगा। ओ भाई ये क्या था भाई, चुटकियों में सबसे कम टाइम ये लिया है इसने, बहुत ही ज़्यादा भाई यूनिक था भाई ये तो। सुना तो अब आ रही है ईगल की। तो भाई ईगल रखते हैं यहाँ पर, 3 ईगल रखते हैं, क्योंकि भाई 3 ईगल्स भी मेरे को लग रहा है भाई मार सकते हैं हमारे फीनिक्स को। तो भाई स्टार्ट कर दिया है, फीनिक्स को तो घेर लिया यहाँ पर। ओ भाई एक ईगल की तो भाई पार गई, एक आई थिंक गया। फीनिक्स ने पकड़ रखा उसे, छोड़ ही नहीं रही है। और दूसरा भी भाई फीनिक्स की पावर, ओ फीनिक्स की पावर भी कम है वही। ओ भाई ओ नया गया भाई साहब, फीनिक्स की पावर देखो भाई, ये ना तीनों ने भाई फीनिक्स की पावर बहुत ज़्यादा कम कर दी थी यार। मुझे तो एक बार को सेकंड को लगा कि भाई फीनिक्स गई, मतलब 3 ईगल्स को नहीं संभाल सकती फीनिक्स, लेकिन ये चीज़ तो गलत हो गई भाई। फीनिक्स संभाल सकती है भाई, हर किसी को संभाल सकती है। लेकिन अब बारी गाइस ये छोटे छोटे यूनिट्स से गाइस, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अब बारी है बड़े यूनिट्स की, जो कि हमारे एक रेप्टाइल फैमिली में भी आते हैं गाइस, जो कि उड़ सकता है। तो भाई इसको भी ट्राई करना ज़रूरी है भाई। ये तो गए, और अरे भाई इनको तो उड़ने का मौका नहीं दिया फीनिक्स ने। बेटा तुम किधर जा रहे हो हैं, फीनिक्स बोल रहे बेटा हम इधर ही हैं, तुम कैसे उड़ान भर सकते हो, हमारी उड़ान तुमसे ज़्यादा ऊंची है। तो भैया लेकिन अब फीनिक्स के सामने जो है ताकतवर यूनिट्स रखने वाले हैं, जो कि हमारे फैंटेसी में आती हैं, जैसे कि वाइवर। तो भाई अब बारी है ईवन के सामने कुछ ऐसे एनिमल्स रखने की, जो कि बिल्कुल टक्कर के हो सकते हैं फीनिक्स के। तो भैया स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है गाइस, इवन जो वाइवर ने वो फीनिक्स को मार पाएगा या फिर नहीं। तो भैया स्टार्ट करते हैं, फीनिक्स का मूड जो है ना ख़राब तो लग रहा है गाइस मुझे। और बिल्कुल ओ तेरी इसके पंजे भी हैं भाई तगड़े, काफ़ी ज़्यादा भारी यूनिट को भी उठा लेती है वो फीनिक्स। वाइवर मुझे नहीं लग रहा है भाई टिक पाएंगे यहाँ पर, वाइवर भी गए, दोनों वाइवर गए।
बहुत ही आराम से भाई वाइवन को मार दिया भाई, बिल्कुल पावर नहीं गई, बिल्कुल भी पावर नहीं गई है। यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ही लो, बिल्कुल कम, बहुत ही कम पावर गई है यार। लेकिन अब आ रहे गाइस हमारे बेस्ट एनिमल जो कि वाई उड़ सकता है, फ्लाइंग यूनिट में आता है, वो है हमारा ड्रैगन। तो भाई जॉम्बी ड्रैगन रखने वाला हूँ यहाँ पर, 1v1 होने वाला है। तो ये मुकाबला होने वाला फाइनल मुझे लग रहा है गाइस, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, फीनिक्स भी हार सकती है, ड्रैगन भी हार सकता है, ड्रैगन भी जीत सकता है, फीनिक्स भी जीत सकती है। तो भाई लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही है। बाकी गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर जॉम्बी वाला ड्रैगन, ओ भाई देख रहे हो भाई, फीनिक्स भी दूर गई है इससे भाई, फीनिक्स भी दूर हो गई थी इससे, वरना फीनिक्स सबसे पहले ना जाके हमला करते सीधा। फीनिक्स ने पकड़ रखा ड्रैगन को, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ भाई दोनों की ऊंचे, ओ तेरी की, डायनासोर, ओ भाई इतना बड़ा ड्रैगन गिरा दिया भाई, जॉम्बी ड्रैगन, उसकी पावर देखो गाइस, पावर भाई अल्टीमेट भाई, कसम से भाई बिल्कुल लो है भाई पावर, बिल्कुल लो है गाइस, बिल्कुल लो। ना तो भाई एक और यूनिट है जिसके साथ मैं लड़ाना चाहता हूँ भाई, फीनिक्स को, जिसके साथ आई थिंक मैंने अभी तक नहीं करी होगी शायद, मुझे याद नहीं, अगर करी होगी तो भाई वो है हमारा स्पाइडर यूनिट जो कि रोबोटिक है भाई। इसके साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो फ्लाइंग करते हैं, आपको पता होगा, आप देख सकते हो गाइस। अभी स्टार्ट करते हैं, ये फाइनल मुकाबला होने वाला है फीनिक्स के साथ जो कि आज की बैटल का है भाई। फीनिक्स का मूड देखते हैं भाई, जहाँ पर जो है स्पाइडर ने झटका दे दिया, ओ तेरी की गई, फीनिक्स गई, ये लो भाई स्पाइडर ने मार दिया भाई फीनिक्स को। स्पाइडर की जो पावर ही बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब गई नहीं है भाई, ये देख सकते हो एचपी पावर भाई लगभग पूरा फुल है सारा, बस एक जो है एक का कम है। और भाई क्या, ओ भाई आँख तो लग रही है भाई स्पाइडर में, आँख तो लग रही है भाई इसमें रोबोटिक स्पाइडर में, बट गाइस यहाँ पर फीनिक्स जो है हार चुकी है। तो भैया ये मैच लास्ट तक जो है फीनिक्स के हाथ में था, लेकिन जो कि हमने बॉस वाले हमारे हमने जो है स्पाइडर को लड़ाया गाइस, उसने जो है फीनिक्स को मार दिया, यानी कि फीनिक्स से ज़्यादा ताकतवर है हमारा स्पाइडर। तो भैया आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे दोस्त सारे दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर जो भी भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहेगा और अपडेट भी आने वाला है गाइस। आप लोगों ने वोटिंग करी थी, मैं देखूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किस में करी, कि आपने कब, आपको क्या लगता है कि कौन सी जो है डेट में अपडेट आ सकता है नया वाला। तो भाई वो वोटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा कि आपने सबसे ज़्यादा वोट किस में करें। तो बाकी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नया अपडेट आते रहेंगे मज़ेदार चीज़ें। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।